दुस्वप्नों की दुनिया में सांपों की एक खास जगह है। शायद इसीलिए वो हमसे बहुत अलग हैं। पांव ना होने पर भी उनका तेजी से रेंगना, कभी ना झपकती आंखें, डरावने ढंग से बेजान दिखना और फिर अचानक हमला कर देना, और सबसे अहम बात, उनमें से कई का हमारी जान के लिए खतरा बनना। सांपों की 2700 प्रजातियों में से 400 से भी कम किस्में जहरीली होती हैं। सांपों की कुछ प्रजातियों के काटने पर असहनीय दर्द, यहां तक कि मौत भी हो सकती है। इसलिए बहादुर से बहादुर लोग भी इन्हें देखकर ठिठक जाते हैं। सबसे खतरनाक सांपों में अफ्रीकन ब्लैक मंबा और अमेरिकन रैटल स्नेक शामिल हैं। ये पलक झपकते ही हमला कर देते हैं। इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि वो शिकार के जिंदा रहते ही उसके मांस को गला डालता है। इस निर्दयी दुश्मन को देखते ही हम पीछे हट जाते हैं, और ये एक स्वाभाविक डर है, लेकिन कभी कभी ये डर हम पर कुछ ज्यादा ही हावी हो जाता है। सावधानी मानसिक उन्माद में बदल जाती है और स्वाभाविक डर बन जाता है एक दुस्वप्न। ये व्यक्ति सांप की तस्वीर तक देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक बार फिर से गॉड, मैं तो इसे किसी हालत में देख भी नहीं सकता। प्रोफेशनल रोडियो सर्किट में डर के शिकार किसी इंसान के बारे में सोच पाना भी कठिन है, लेकिन बायरन के साथ ऐसा ही है। बायरन एक शानदार असली काउबॉय हैं। वो रोजाना खतरों का सामना करते हैं, लेकिन सांपों का सामना वो नहीं कर सकते। सारी जिंदगी में ऐसी जगहों में रहा हूं जहां सांप हैं, और मैं उनसे बहुत डरता हूं। उनके डरने की वजह वाजिब भी है। पश्चिमी अमेरिका के एरिजोना शहर में वो रैटल स्नेक की 11 प्रजातियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में सांप के काटने से मौत की संभावना एक असलियत बन जाती है। अगर आप यूरोप, अफ्रीका या एशिया में रहते हैं तो आपको शायद ही ये आवाज सुनने को मिले। आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए, अमेरिका में यह आवाज सिर पर मंडराती मौत का इशारा है। ये आवाज हमला करने के लिए एकदम तैयार रैटल स्नेक की आवाज है। रैटल स्नेक की आवाज तब पैदा होती है जब सांप की पूंछ के सिरे पर बने ये खोखले हिस्से एक सेकंड में 50 बार की रफ्तार से एक दूसरे से टकराते हैं। हर साल अकेले अमेरिका में ही 8,000 से ज्यादा लोग रैटल स्नेक या अन्य पिट वाइपर्स द्वारा काटे जाते हैं। हालांकि इस सांप के काटने से 20 से भी कम लोगों की मौत होती है, लेकिन सांपों के काटने के कारण होने वाली 95% मौतों के पीछे यही सांप जिम्मेदार है। 20 साल पहले जब बायरन रैंच पर काम करने वाले एक युवा थे, तो एक घटना ने सांपों के प्रति उनके चौकन्नेपन को एक बेकाबू डर में बदल दिया। मैं हीटर के सामने जमीन पर लेटा हुआ था और मुझे नींद आ गई। अचानक मैंने उसे अपनी छाती पर रेंगते हुए महसूस किया। मैं स्क्रीन डोर से डर कर भागा। मैं तो शायद वहीं मर गया होता। आज उन्हें अपने दुस्वप्न से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। सांपों के डर से छुटकारा? ना, फिलहाल ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके डर से छुटकारा मिल सकता है। मुझे तो डर लगता है। रैटल स्नेक से काटे जाने के बावजूद इस व्यक्ति की जान बच गई, लेकिन इनके मन पर इस घटना का घाव बन गया। इनका नाम है कीथ। ये कैलिफोर्निया के रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां रैटल स्नेक से आमना सामना होना एक आम बात है। कीथ को रैटल स्नेक पकड़ने में इतनी महारत हासिल थी कि इनके पड़ोसी अक्सर इन्हें अपने घरों में सांपों को निकालने के लिए बुलाया करते थे, लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया।
वो इतनी घनी झाड़ी में था कि मैं उसे देख ही नहीं पाया। जब देखा तो लगा, हे भगवान, ये जरूर डस लेगा। ये सांप के काटे का आज चौथा मरीज है। इमरजेंसी रूम में कीथ के इलाज की ये वास्तविक फिल्म है। मुझे कीथ के रैटल स्नेक द्वारा काटे जाने की घटना याद है। अब कैसा महसूस कर रहे हो? शॉन बुश ट्रॉमा फिजिशियन है। सांपों में दिलचस्पी रखने वाले और जहर के विशेषज्ञ बुश सांप के काटे की पहचान करने में खासे माहिर हैं। एक बड़े रैटल स्नेक ने उनकी टांग पर इतनी जोर से काटा था कि उनकी टांग ही मुड़ गई थी। उनके शरीर पर जहर का असर साफ दिखाई दे रहा था। उनकी मानसिक स्थिति असामान्य थी। आपको टांग पर किस सांप ने काटा? साउथ पैसिफिक रैटल स्नेक। जिस तरह के दक्षिण प्रशांत रैटल स्नेक ने कीथ को काटा था, उसमें ऐसे न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो सीधे दिमाग पर असर करते हैं। ये कोबरा में भी पाए जाते हैं। इनके कारण अस्थाई लकवा, अस्पष्ट जबान और मति भ्रम की हालत हो जाती है। यहाँ तक कि वो दिल और फेफड़ों को भी रोक सकते हैं, जिससे मौत हो जाती है। मैं अब उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ये भी याद नहीं कर सकता कि वो कैसा था। वो इतना भयानक था। मुझे कई बार गंभीर चोटें लगी हैं, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब कभी नहीं हुई। पेट में भयानक दर्द था और गुर्दों में पता नहीं क्या हो रहा था। अस्पताल में 10 दिन बिताने और 6 महीने तक पेट में दर्द सहने के बाद कीथ के ऊपरी जख्म तो ठीक हो गए, लेकिन सांप रेंग कर उनके दिलो दिमाग में घुस गए। सांप के काटने के 2 साल बाद भी कीथ को उनके दुस्वप्नों से छुटकारा नहीं मिल पाया है। मुझे अब भी वही दुस्वप्न बार बार आते हैं। सांप के छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अपने हाथ में लिए बगैर पकड़ पाना नामुमकिन है, ऐसे सैकड़ों सांप के बच्चे मेरे पीछे जमीन पर रेंगते हुए आते दिखाई देते हैं। लेकिन कीथ को यकीन है कि वो बिना किसी बाहरी मदद के ठीक हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को थेरेपी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे इलाज कराने में भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे मामले में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इससे खुद निपट सकता हूं। मैं भगवान में भरोसा करता हूं। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि जो भी होता है उसका एक निर्धारित समय होता है। स्नायु विज्ञानी माइकल फेंजेलो लॉस एंजेलिस की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ब्रेन साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। चूहों के जरिए वो डर की प्रकृति और इसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं। चूहे भी डर के प्रति इंसान की तरह प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने ये पाया कि मन में बसा डर अपने आप नहीं जाता। हमने ऐसे चूहों के साथ परीक्षण किए हैं जिन्हें उत्तेजक पदार्थ देने पर उनमें हल्का डर ही पैदा होता था। इसके बाद हमने उनके पूरे जीवन भर उनका अध्ययन किया। हमने देखा कि उनका डर कभी कम हुआ ही नहीं, हालांकि ये बढ़ा भी नहीं, पर यह हमेशा उसी स्तर पर बना रहा। ऐसे मौके आते हैं जब यह डर काफी बढ़ जाता है, पर ऐसे मौके भी आते हैं जब वक्त के साथ होते हुए अनुभव की वजह से वो कमजोर पड़ जाता है। लेकिन ये बात यकीन से कह सकते हैं कि ये चीजें जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ती। अनुसंधानों से ये भी पता लगा है कि सही इलाज के जरिए बायरन जैसे लोगों के बेकाबू डर को कम या दूर किया जा सकता है। वर्षों तक इस डर को सहने के बाद आखिरकार बायरन इलाज के लिए तैयार हो गए। अगर आपसे 20 फुट दूर सांप है तो आप क्या करेंगे? अगर वो मुझसे 20 फुट दूर होगा तो मैं उतना ही नर्वस हो जाऊंगा जितना कोई भी हो सकता है। मैं कांपने लगूंगा। आपके हाथ कांपेंगे? हाथ और खासतौर पर घुटने भी। और घुटने भी? हाँ, बेहद तेजी से भागकर उस बाढ़ के पीछे छुप जाऊंगा। अब वो मुखातिब होते हैं गैरी क्रेग से, जिन्होंने इमोशनल फ्रीडम तकनीक का विकास किया है। एक्यूपंचर के बारे में जानते हैं? हाँ, उसमें शरीर में सुइयां चुभो दी जाती है। मुझे वो भी पसंद नहीं। आपको वो पसंद नहीं? हम भी उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे।
क्रेग का दावा है कि इमोशनल फ्रीडम तकनीक यानी EFT एशियाई इलाज एक्यूपंक्चर की एक भावनात्मक किस्म है। एक्यूपंक्चर शरीर के प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह को ठीक करके शारीरिक रोगों का इलाज करता है। ऊर्जा प्रणाली में कुछ विशिष्ट स्थानों पर सुइयां चुभाई जाती हैं, जिन्हें मेरिडियन कहा जाता है। सुइयों के बजाय क्रेग अपनी उंगलियों से इन मेरिडियंस को थपथपाते हैं। क्रेग का दावा है कि थपथपाने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा घट जाती है। इससे एंडोर्फिन हार्मोन भी निकलने लगते हैं जो दर्द को कम करते हैं। जहां मैं थपथपाने को कहूं आप वहां थपथपाएं, जो मैं बोलूं उसे दोहराएं, भले ही आप उसे माने या ना माने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहिए, सांप मुझ पर रहेगा? सांप मुझ पर रहेगा। गंदा सांप मुझ पर रहेगा। घृणित सांप मुझ पर रहेगा। वो सांप मुझ पर रहेगा। सांप मुझ पर रहेगा। हालांकि सांप मुझ पर रेंग रहा है, मेरे पांव में गुदगुदी हो रही है, लेकिन हालांकि सांप मुझ पर रेंग रहा है, मेरे पांव में गुदगुदी हो रही है। मैं अपने पूरे मन से इसे स्वीकार करता हूं। पूरे मन से इसे स्वीकार करता हूं। बहुत बचकाना लग रहा है और मुझे ये कहते हुए बचकाना लग रहा है। ज्यादातर लोग इसे कुछ अजीबोगरीब अभ्यास ही कहेंगे, लेकिन इस तरह बार बार दोहराने और थपथपाने से बायरन शांत हो जाते हैं और अपने डर का सामना करने के लिए तैयार होने लगते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर काबू पाऊं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर काबू पाऊं। मैं अपने पूरे मन से इसे स्वीकार करता हूं। मैं पूरे मन से इसे स्वीकार करता हूं। मैं काटने वाले नन्हे सांप से डरता हूं। मैं छोटे से काटने वाले सांप से डरता हूं। हालांकि सांपों के डर की वजह से मैं शर्मिंदा हो जाता हूं। हालांकि सांपों के डर की वजह से मैं शर्मिंदा हो जाता हूं। समय बीतने के साथ ही बायरन हताश होने लगते हैं। मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इसके कारण को जानना चाहता हूं। मैं नहीं जानता क्यों। मैं जानता हूं कि मुझे कितनी गहराई में जाना है। देखिए, मैं गंभीर हूं, मैं इसकी वजह नहीं जानता। आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल ही जाती है। कल तक बायरन सांप की एक तस्वीर तक नहीं देख पा रहे थे। अब घंटों के इलाज के बाद वो फिर कोशिश करेंगे। हे मेरे भगवान, क्या इससे परेशानी हुई? जी हाँ। ओके, मुझे देखिए, किताब को मत देखिए, सिर्फ मेरी ओर देखिए। सिर्फ किताब है, इसका विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जो ये बताती है कि ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ किताब को देखकर? सिर्फ किताब को देखकर। सिर्फ किताब को देखकर। सिर्फ किताब को देखकर। सिर्फ किताब को देखकर। अब देखकर बताइए कि क्या हुआ है। ये मजेदार है। क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? बायरन एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन तस्वीर और जिंदा सांप के बीच काफी लंबा रास्ता है। क्या वो अपने सबसे बड़े डर यानी जंगली रैटल स्नेक का सामना कर पाएंगे, या फिर अपने दुस्वप्न में ही उलझ के रह जाएंगे?